इस वक्त हम लोग हरिद्वार के ठरकी पौड़ी पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग हरिद्वार के हरकी पौड़ी पहुंच चुके हैं और यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप चप्पल खोल लें और उसके बाद सामने आपको पानी का व्यवस्था दिखाई दे रहा होगा। इसमें पहले आपको अपना पांव धो लेना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें और आगे आपको पांव पोंछने का भी व्यवस्था किया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत मैनेजमेंट है मंदिर प्रशासन की ओर से। इसके बाद आप लोग हरकी पौड़ी घाट पहुंच जाएंगे और यहाँ पर कुछ पौराणिक मंदिर हैं, इनका दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ का दृश्य, और जैसे कुछ आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे घाट बनाया गया है स्नान के लिए। और गाइस, यहाँ हर एक दिन काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन मकर संक्रांति और कुंभ के मेले में यहाँ पर हद से ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं और आपको दिखलाते हैं हरकी पौड़ी धाम। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल अमरदीप माउंटेन ब्लॉगर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये गंगा नदी से एक धारा निकाली गई, इसे आप नहर भी बोल सकते हैं। इस धारा को इधर अलग से निकाली गई ताकि इधर स्नान के लिए मेन नदी में ना जाना पड़े। और दोस्तों, ये घाट कई किलोमीटर तक लंबी है, तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक लोग स्नान करते हुए नजर आ जाएंगे। दोस्तों, जो सामने आपको दूर में पहाड़ नजर आ रहा है, वहीं से हिमालय पर्वतमाला की स्टार्टिंग होती है और काफ़ी मनोरम दृश्य हरकी पौड़ी धाम का। तो दोस्तों, यहाँ शाम को संध्या आरती होती है, गंगा आरती। तो हम आप उस टाइम मिलेंगे आपसे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और इसका नेक्स्ट भाग जरूर देखें।